हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, एटा गोटे आम वीकली रिविजन भिडटे रोक ठीक अच्छे। सो बेसिकली जो 24 सेप्टेम्बर रु 30 सेप्टेम्बर भितर जहाँ भी किसी आम ओडिशा रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कसन करें, सो तार गोटे आज आम रिविजन क्लास टे देखा ठीक अच्छे। ओके, जो चलतु बर्तमान स्टार्ट करवा ये विक्र 24-30 तारीख भितर आम सेप्टेम्बर जहाँ भी किसी रही है आम इम्पोर्टेंट ओडिशा करंट अफेयर्स को। सो ता पूर्व गोटे छोट रिक्वेस्ट, जदि भिडियोटा भल लगे प्लीज लाइक करूँ, सांग सहित सेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आदि यार पीडीएफ चाहते तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल लिंक रही, तो जाकि जॉइन करूँ एवरीडे आफ्टर द क्लास से पीडीएफटा को सेयर करदेवि ठीक अच्छे। ओके, सो चलतु बर्तमान स्टार्ट करवा किसी इम्पोर्टेंट आम करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट रही है व्हाट इज पेटा ठीक अच्छे। तो ऑलरेडी हमें डिस्कस करे तो पेटा कौन ना पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ठीक अच्छे। सो ये हमारे एक्चुअली गोटे ऑर्गेनाइजेशन था ठीक अच्छे, गोटे नेशनल लेवल रे माने काम कर। तो यार मैंने जदि आम देखा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, सो एनिमल्स मानक क्रुएलिटी को न यूज करके एथिकली ट्रीटमेंट करवा, तो यहाँ हूँ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटा। तो देखिए बर्तमान कौन रही न्यूज रे ना ना पेटा जो रही, तो सेने गोटे अपील करपिल फ्रम द पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया द स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ ओडिशा। तो बेसिकली जो पेटार इनफर्मेसन रही, तो ता अंडर रे जो हम स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ ओडिशा रही, तो सेमाने सर्कुलेट कर गोटे अर्डरटा को इंस्ट्रक्ट कर ऑल द जो आम चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटेनरी ऑफिसर्स रही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स रही ना, बेसिकली जो प्रिवेंशन केमती निहपर जो क्रुएलिटी टू एनिमल्स, जो एनिमल्स मानों जो आम क्रुएलिटी यूज करे, सो बेसिकली गोटे आम जो ग्लू ट्रैप्स रही ठीक अच्छे, जो आम गोटे अठा आसूसी जोटा कि बेसिकली जो रोडेन्ट्स मैंने मूसा मानक धरने से अठाटा जो आसूसी ग्लू स्टिकी ट्रैप्स ठीक अच्छे, से जो स्टिकी ट्रैप्स गुड़ाक अच्छे यूज कराँ, तो से जो ग्लू ट्रैप्स अच्छे केमी आम एवोड करवा मैंने कम्प्लीटली डिस्ट्रिक्ट लेवल हिं के प्रोहिबिट कर मैन्युफैक्चरिंग तार सेल तार यूज उपर, तो ता रिगार्डिंग बर्तमान गोटे आम सर्कुलेसन को इश्यू कर। जो एज पर द पेटा से जो आम ग्लू ट्रैपटा को यूज करेटा हूँ आम गोटे क्रुएलिटी टुवर्ड्स द रोडेंट्स बा एनिमल्स, तो से कमी आम मैंने यूजटा नक, तो ता रिगार्डिंग पेटा गोटे आम ऑल ओवर द इंडिया आम गोटे मैंने नोटिसटा को सर्कुलेट कर। सो ऑलरेडी बर्तमान 20 आम स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी ए सामिल हो सारे, बर्तमान ओडिशा हूँ 21 स्टेट 21 नंबर स्टेट जिकि आम सर्कुलरटा को आम यूज कर, मैंने से बर्तमान 21 नंबर स्टेट हिसाब से ओडिशा बर्तमान आसूसी जिकि ये जो ग्लू ट्रैपटा रही यूज करना। सो नेक्स्ट देखा डिबेट ओवर द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ ओडिशा, सो यहाँ को आम देखी। सो बर्तमान जो आम एमएलए थे प्रमिला मल्लिक ठीक अच्छे, तो सी बर्तमान एज स्पीकर हिसाब से आम ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होती, तो या पर मैंने आफ्टर द इलेक्ट से गोटे बर्तमान आम डिस्कसन स्टार्ट होता ना हुई इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा। सो किसी जन जो मैंने इनफर्मेसन हिसाब से तो सारला देवी थे, तो सी हूँ आम प्रथम स्पीकर ऑफ द ओडिशा, बट प्रमिला मल्लिक नुह, तो यहाँ गोटे सोशल मीडिया डिबेट स्टार्ट होता ठीक अच्छे। बट जदि आम देखा क्लीयरली इनफर्मेसन कौन रही ना सारला देवी जिकि आम प्रिजाइडेड एज द स्पीकर इन द हाउस इन 1939 आम एक्चुअली सारला देवी नो डाउट से फर्स्ट प्रिसाइड करते आम एज ए स्पीकर ऑफ द असेंबली, बट सी करते कहे 1939 करते, तो सेतेबेले ओडिशा आम इंडिपेंडेंस पाई नथिला, इंडिया ही आम इंडिपेंडेंस पाई नथिला, तो आम थे ब्रिटिश रूल अंडर रे थिले। जदि आम कह मैंने ब्रिटिश इंडिया जदि आम काउंट करवा देन डेफिनेटली सारला देवी आसवे आम फर्स्ट वुमेन्स मैंने स्पीकर, बट जेहेतु बर्तमान आम मैंने इंडिपेंडेंट ओडिशा कथा चिंता करूँ, तो से बर्तमान आम कौन कह प्रमिला देवी होती फर्स्ट वुमेन स्पीकर आफ्टर द इंडिपेंडेंट ओडिशा आम नहीं पार, बिकज 1936 आम ओडिशा गोटे सेपरेट प्रोविंस होता ठीक अच्छे, 1 अप्रैल 1936 जो उत्कल दिवस भी सेलिब्रेट करुचे, तो तापर आम सारा देवी फर्स्ट प्रिसाइड करते एज ए वुमेन स्पीकर। ओके, सो नेक्स्ट देखा विच पोर्टल इन ओडिशा प्रोवाइड्स 100% सर्विसेस इन डिजिटल मोड, तो बर्तमान यहाँ गोटे आम गोटे अचीवमेंट आसार देखा ना, तो ओडिशा वन गोटे जो आम पोर्टल रही ठीक अच्छे, तो से ओडिशा प्रोवाइड कर 100% सर्विसेस थ्रू द आइडेंटिफाइड सिंगल यूनिफाइड सर्विस डेलीवरी पोर्टल ओडिशा वन, तो ओडिशा वन गोटे आम पोर्टल रही, तो एज पर द पोर्टल आम 100% सर्विसेस रही ठीक अच्छे, तो से सर्विस को आम कम्प्लीटली डिजिटली यू आम प्रोवाइड करुच्छे। तो या सहित ओडिशा बाद आम जो जम्मू एंड काश्मीर रही है केरला रही, तो से अचीवमेंटा पाई 100% से ऑनलाइन सर्विस ये आम प्रोवाइड कर, सो तर जो रही आम ई उन्नत आउ ई सेवानम ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ आम ई उन्नत हूँ आम काश्मीर आउ केरला ई सेवानम ठीक अच्छे, ये जो पोर्टल गुड़ाक रही, तो या थ्रु से 100% सर्विसेस को डिजिटल मोड में प्रोवाइड करके।
आउ कौन रही देखा ना जो आम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस हैज रिलीज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट तो आम नेस्डा ठीक अच्छे जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट तो से गोटे जो रिपोर्टा रिलीज करते तो से रिपोर्ट अनुसार बर्तमान तीन टा स्टेट्र ना आम जम्मू एंड काश्मीर ओडिशा और केरला तो ये 100% सर्विसेस को डिजिटली प्रोवाइड करुँच सो नेक्स्ट देखा व्हिच स्टेट टू लॉन्च ए यूनिक प्रोग्राम टू ट्रेन मदर्स टू गेट देयर चिल्ड्रेन एट होम ठीक अच्छे ना बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट गोटे आम यूनिक प्रोग्राम नहींक आस तो माँ मानक बर्तमान ट्रेनिंग प्रोवाइड करो सो दैट कि केमती से घरे पा ट्रेन करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जिनसा देखा ना तो आम स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रही ठीक अच्छे तो ओडिशार तो से गोटे लंच करवा चाहते गोटे यूनिक प्रोग्राम ठीक अच्छे तो जो प्रोग्राम अंडर में माँ मानक इम्प्रूव कर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस तो बेसिकली मदर मानक जो आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रही तो से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बर्तमान इम्प्रूव कर तो बेसिकली जो स्कूल वन्स इन टू मंथ्स तो दि मस गोटे ट्रेनिंग सेशन टा ऑर्गेनाइज करा जीवो ठीक अच्छे तो बेसिकली सही जगह रे कौन करा जीवो से मानको ट्रेन करा जीवो केमती से माने चिल्ड्रेन्स मानकर स्किल को डेवलप करेंगे तो बेसिकली से मानको केमती हमरो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस रही ठीक अच्छे और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग रही तो तार कांसेप्ट ऊपर मां मानको प्रथम ट्रेनिंग दिया जीवो सो दैट कि घरे से माने पिलांको ट्रेन करेंगे तो एटा को लॉन्च करिया जाउछन हमरो ओडिसा गवर्नमेंट सो नेक्स्ट देखियो व्हिच सिटी होस्टेड द ट्राइब राइटर्स मीट सो बेसिकली गोटे आम ट्राइबल जो राइटर्स मैंने रही ट्राइबल राइटर्स मीट तो ताको ऑर्गेनाइज कराई ना यहाँ आम ऑर्गेनाइज हो भुवनेश्वर में आम यहाँ बर्तमान ऑर्गेनाइज कराई तो यहाँ गोटे आम 4 डे स्टेट लेवल ट्राइबल राइटर्स मीट थी तो जोटा कि आम भुवनेश्वर में कंडक्ट हो तो आपको ऑर्गेनाइज करते किए ना जो आम एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ATLC ठीक अच्छे तो अंडर द पैटर्नेज ऑफ आम SC ST डेवलपमेंट जो आम डिपार्टमेंट रही तो ता अंडर में गोटे 4 दिनिया आम ट्राइबल राइटर्स मीट आम ऑर्गेनाइज होती आम भुवनेश्वर में तो ये सब कौन सब ट्राइबल्स कम्युनिटी राइटर्स मैंने आसते ना सांताली भूमजी मुंडा बिंजल ठीक अच्छे यही सब कम्युनिटी आम राइटर्स मैंने ये आसिक अटेंड करते नेक्स्ट देखा व्हिच स्टेट पास द अपार्टमेंट ओनरशिप बिल एंड मैनेजमेंट बिल सो बेसिकली ओडिशा गवर्नमेंट जो आम पास करते बर्तमान रिसेंटली असेंबली रे ना ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2023 तो ये बिल रे ओनरशिप सहित स्पेशली मैनेजमेंट उपर मध्ये हमरो फोकस कराई तो देखिए डिटेल्स कौन रही ना द बिल सेवरल प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोविजंस रिलेटिंग टू द रेगुलेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल अपार्टमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट सो बेसिकली मैनेजमेंट उपर आम फोकस टी अधिका करा जाए ठीक अच्छे ना केमती आम अकाउंटेबिलिटी रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स प्रोवाइड ऑफ द राइट्स एंड रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ इच अपार्टमेंट ओनर्स केवल जे आम बर्तमान मैंने राइट्स आम नौले बिल मानक बर्तमान आम रेस्पोंसिबिलिटी ये आम आसी सो बेसिकली गोटे केमती मैंने आफ्टर द परचेज से गोटे केमती आम अपार्टमेंट गोटे एसोसिएशन फॉर्मेशन करा जीवो ठीक अच्छे तो यहाँ बिल रे मेंशन कराई और बेसिकली जो मैंने प्रोविजन्स फॉर इंश्योरेंस ऑफ द अपार्टमेंट गोटे अपार्टमेंट जो तार इंश्योरेंस केमती रखा तार गोटे सोसाइटी केमती फॉर्मेशन करा जीवो आउ जो कॉमन जिनस गुड़ाक रही ठीक अच्छे बेसिकली जो लॉबी एरिया को मैंने यूज करेंगे ठीक अच्छे बेसिक बेसिक जो जिनस गुड़ाक जोटा किसी बिल्स ना तो बर्तमान गोटे मैनेजमेंट कंप्लीटली बिल्टा आम नहीं ओडिशा असेंबली रे सो नेक्स्ट देखा व्हिच कंट्री ए हाई लेवल डेलीगेशन विजिटेड ओडिशा टू लर्न एक्सपीरियंस ऑन राइस फोर्टिफिकेशन सो राइस फोर्टिफिकेशन को गोटे नॉलेज गेन करने बर्तमान गोटे नाइजीरिया गोटे टीम ठीक अच्छे तो सेमाने विजिट करछंती भुवनेश्वर को सो डिटेल्स कौन रही देखा ना ओडिशा इज ओपन टू शेयरिंग इट्स एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑन राइस फोर्टिफिकेशन फॉर एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड क्रिएटिंग द फूड सिक्योरिटी टू विजिटिंग नाइजेरियन डेलीगेशन टीम ए हाई लेवल डेलीगेशन टीम फ्रॉम नाइजीरिया कंसिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी फूड रेगुलेटर बॉडीज एंड प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटेड बाय यूनाइटेड नेशंस WFP आर इन ओडिशा टू लर्न द स्टेट्स एक्सपीरियंस इन राइस फोर्टिफिकेशन तो गोटे नाइजेरिया गोटे टीम ठीक अच्छे तो से जो आम WFP प्रोग्राम रही तो अंडर में सो ओडिशा गवर्नमेंट जो आम राइस फोर्टिफिकेशन में जहाँ सब आम काम करो तार एक्सपीरियंस को सेने गेन करने गोटे टीम आम नाइजेरिया ठीक अच्छे तो से भुवनेश्वर में आसिक पहुंचे और बर्तमान गेन करेंगे आम नॉलेज रिगार्डिंग राइस फोर्टिफिकेशन सो नेक्स्ट देखा व्हिच स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस एक्सटेंडेड टिल 31st December सो 31 December पर्यंत जो आम ऑर्गेनिक कंपोस्ट रही ठीक अच्छे तो तार प्रोक्योरमेंट रो जो प्रोसेस थिला ताको वर्तमान 31st December पर्यंत आमर
माने गवर्नमेंट तरह डेट टाक एक्सटेंड कर तो बेसिकली कौन हो ना जो मो खत ये स्कीमटा अच्छी ता अंडर में कौन कराई ना जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ खत जो खत गुड़ाक परचेज करेंगे बेनिफिशियरी मैंने तो ता स्कीम को ना दी मो खत योजना आठ आम गोटे डिस्काउंटेड प्राइस मात्र 10 टका पर के जी 10 टका पर के जी एम आपको परचेज करेंगे सो बर्तमान एक्सटेंड कराई के डिसेंबर 31 पर्यंत आमर आपको मैंने एक्सटेंड कराई तो जो आम अर्बन आउ हाउस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रही तो से मैंने इनिशिएट करते बर्तमान आपको एक्सटेंड कर सो नेक्स्ट देखा ओडिशा वेस्टर्न रिसीव हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस एज ए पार्ट ऑफ पीएम ई बस सेवा सो ओडिशा गवर्नमेंट आमर ठीक अच्छे तो रिसीव करा जाती बर्तमान 350 आम पीएम ई बस सेवा अंडर में इलेक्ट्रिक बसेस से बर्तमान मैंने ओडिशा को मिलने जाऊँच सो ओडिशा रिसीव कर केत 350 इलेक्ट्रिक बसेस रिसीव कर अंडर द पीएम ई बस सेवा स्कीम अंडर में तो बेसिकली ये बसेस आसो आमर आपको आम चारा सिटी तो मेजर तो 4 सिटी अच्छे ओडिशा रो तो सेठी आमर आपको रनिंग करा तो बेसिकली देखिए पीएम ई बस कौन ना रिसेंटली जो अगस्ट मंथ रे तो आपको डिक्लेयर कराई था पीएम ई बस सेवा तो या अंडर रे 10,000 जो आम ई बसेस रही पीपीपी मोड रे 169 सिटी रे आमर एटा को चला जीवो तो ये जो माने स्कीम रे 10 वर्ष पर्यंत आमर आपको सपोर्ट दिया जीवो ये बस मानको सो वर्तमान ओडिशा रे जो 4 सिटी रही आम भुवनेश्वर कटक राउरकेला ब्रह्मपुर तो ये 4 जगह ये 350 बस को आमर रन करा जीवो तो प्लान अच्छे आमर कटक माने भुवनेश्वर कटक राउरकेला रे ईच सिटी को 100 बस मिलिवो आ ब्रह्मपुर को आमर 50 वर्तमान पे ये इलेक्ट्रिक बस आमर मिलिवो सो नेक्स्ट देखिवा टू प्रमोट वर्ल्ड टूरिज्म डे ओटीडीसी ऑर्गेनाइज्ड सुपर बाइक रैली एट विच प्लेस सो ओटीडीसी आमर जो वर्ल्ड टूरिज्म डे थिला तो ताकू माने ऑर्गेनाइज करिया पे से माने गोटे ट्विन सिटी मीन्स भुवनेश्वर कटक रे आमर गोटे से माने सुपर बाइक रैली को से माने ऑर्गेनाइज करथिले तो ओटीडीसी मीन्स ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट देखी ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ताको आम ओटीडीसी कहे तो से माने गोटे सुपर माने बाइक रैली को ऑर्गेनाइज करते तो जी आम टूरिज्म मिनिस्टर रही अश्विनी कुमार पात्र तो सी फ्लाग ऑफ करते एक्चुअली सुपर बाइक रैली को तो यहाँ स्टार्ट होता आम भुवनेश्वर स्टार्ट होता आम जो होटल सैंडिस टावर रही एंड होता आम कटक ये एंड होता जो सिल्वर सीटर बोट क्लब रही कटक तो सेठी एक्चुअली आम ये बाइक रैलीटा एंड होता एटी आम 150 राइडर्स आम जॉइन करते तो या रिगार्डिंग जो आम कलिंग राइडर्स टीम रही सहित आम कोऑपरेशन कराई सो नेक्स्ट देखा विच सिटी रिसीव द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द ईस्टर्न रीजन सो भुवनेश्वर को आमर डिक्लेयर कराई ना बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द ईस्टर्न रीजन ठीक अच्छे तो 2023 बेस्ट स्मार्ट सिटी इन ईस्टर्न रीजन में आम भुवनेश्वर टा सिलेक्ट हो तो ये आम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गोटे आम प्रेजेंट कर अवार्ड ठीक अच्छे तो बेसिकली जो आम कैपिटल सिटी रो डेडिकेशन टू इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी एंड इनक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम रही तो ता अंडर रे सी वर्तमान भुवनेश्वर सिलेक्ट होती एज द स्मार्ट सिटी ऑफ ईस्टर्न रीजन जदि आम ऑल ओवर इंडिया कथा देखा जो इंदौर रही आम ठीक अच्छे इंदौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश तो सी सिलेक्ट होती बेस्ट स्मार्ट सिटी इन द कंट्री और भुवनेश्वर आम ईस्टर्न रीजन में आम बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड पाई भुवनेश्वर सो नेक्स्ट देखा व्हाट इज द ओडिशा म्युनिसिपल लॉ अमेंडमेंट बिल सो वर्तमान ओडिशा गवर्नमेंट गोटे मानने मोस्ट एवेटेड कही पार ओडिशा म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल को सेमाने नहीं किया आसुछंती ठीक अच्छे सो बेसिकली कौन रही है से बिल रे चेंजेस देखा रिसोर्सेस एलोकेशन एंड ए यूनिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस सो ये दुटा उपर प्राइमली से माने फोकस करिसंती ठीक अच्छे सो देखा कौन रही है ना बेसिकली जो गोटे मानने जो रिसोर्सेस जो एलोकेशन आसमर ठीक अच्छे तो से रिसोर्सेस एलोकेशन केमती हे ता सहित गोटे आम यूनिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो सहीटा केमती देहब गोटे म्युनिसिपैलिटी को तो तार रिलेटेड नहीं कि बिलटा को लेकिन आसान वन ऑफ द गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है गोटे जो 25% टोटल एक्सपेंडिचर जो आम स्लम्स रही तो बर्तमान वन ऑफ द चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर एवरी म्युनिसिपैलिटी तो सब म्युनिसिपैलिटी एरिया रे स्लम्स होती गोटे बर्तमान चैलेंजिंग सिचुएशन तो तार केमती रीडेवलपमेंट रिक्रिएसन करने 25% मिनिमम टोटल एक्सपेंडिचर 25% से तो से बिल रे किसी चेंजेस नहीं कि आसी सो नेक्स्ट देखा व्हाट इज रेस्टोरेंट ऑन लाइसेंस इनिशिएटिव तो गोटे स्पेशल गोटे आम गोटे इनिशिएटिव नहीं कि आसुछंती स्पेशल कैटेगरी ऑफ लाइसेंस सो बेसिकली जो आम बीचेस गुड़ाक रही तो से बीच गुड़ाक आमर गोटे दुटा जिनस बर्तमान फोकस करना टू सर्व फुड आउ लिक्वर ठीक अच्छे जो टूरिस्ट मैंने आसवे तो सेमती आम गोटे बेस्ट भेरटर फुड दे पार सी फुड होगा कि आम मानने अदर
डिफरेन्ट भेरटर डिशेस गुड़ाक प्रिपेयर करवा आ लिक्विडटा को सीमें प्रमोट कर तो से गोटे स्पेशल कैटेगोरी ऑफ लाइसेंस सो आउटलेट गुड़ाक ओपन करा बीच सेक्स बोली तो से ही जगह केमी गोटे आम डेवलपमेंट करो से गोटे स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट कराई तो कहु कौन ना कैटेगोरी ऑफ लाइसेंस रेस्टोरेंट ऑन लाइसेंस बोली आम कहे तो ओटीडीसी अंडर ही स्टार्ट कराई देखा कौन रही है डिटेल्सटा ना ओडिशा गवर्नमेंट वर्तमान एलाउ करते जो न्यू एक्साइज पॉलिसी फॉर द ईयर 2023 और 24 आसी तो से जो डिफरेंट बीचेस रही आमर तो सेठी केमती आपको प्रमोट करा तो ता रिगार्डिंग गोटे नोटिफिकेशन आसी सो दुटा बीच आम गोटे रहा पूरी आउ गए चंद्रभागा ये दुटा बीच को एक्सक्लूड कराई बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द टू प्लेसेस ताको बाद दे जो अदर बीच गुड़ाक रही गोपालपुर होगा ठीक अच्छे पारादीप होगा तो अदर जितकी आम बीच गुड़ाक रही तो सेठी आम स्टार्ट रेस्टोरेंट ऑन लाइसेंस तो यार टारगेट कौन रही ना ओटीटीसी अंडर रे ये जो लाइसेंस गुड़ाक प्रोवाइड कर सो बेसिकली जो आम कमी वैरायटीज ऑफ फूड्स आउ लिक्वर को सेठी आम प्रमोट कर सो दैट कि आम जो विजिटर्स मैंने अच्छा टूरिस्ट मैंने अच्छा अट्रैक्ट अधिक हो पारे सो नेक्स्ट देखा To stop operating criminal syndicate from jail, government is going to install this system. Now, jail manakore jo bartaman amaro koidi mane roichanti, thik achi. To semane sethu tankaro jo mane operate korchanti with the help of illegal phones. To taku band koriya pai automatic restricted telephonic system gode bartaman start koribaku jauchanti. Bahut badhiya system ta tik details re dekhiba. Na jo crime achi taku kemti ame kamai pariba. To sethi pai automatic restricted telephonic system to jail re start koriya pai jauchanti. To gote pilot project re bartaman jo Jharpada jail roichi Bhubaneswar और चौधवार जेल रही है कटक तो से फास्ट फेज रे आपको स्टार्ट करा जीवो सो बेसिकली जो जेल कथा देखा तार जो इनमेट्स मैंने रही कैदी मैंने रही तो से तीन टू चार लैंडफोन रही बट से जो ऑफिशियल्स मैंने रही तो से किसी ब्राइब दे कि तो सेठू से फोन टाइम मिसयूज कर तो अन्य तांकर माने रिक्वायरमेंट अधिका से माने कॉल्स गुड़ाक कर तो से वर्तमान ये जो सिस्टमटा को लॉन्च करा जो ऑटोमेटिक रेस्ट्रिक्टेड टेलीफोनिक सिस्टम तो एवरी जो माने इनमेट्स कैदी मैंने रही किसी नंबर से माने ऑलरेडी दबापी बाध्य हे आई नंबर में ही कॉल जीव आ गए फिक्स टाइम पर ऑटोमेटिक से फोन टाइम डिस्कनेक्ट हो जहाँ भी से कन्वर्सेशन हो टोटाली कन्वर्सेशन आम से रेकर्डेड हो रही ठीक अच्छे तो यहाँ गोटे वर्तमान नुआ सिस्टम आने जामर ओडिशा गवर्नमेंट सो देखा नेक्स्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा आर अंडर द जोन 3 कैटेगरी ऑफ द अर्थक्वेक सो रिसेंटली वर्तमान जो रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर रही सुदाम मारंडी तो सी जो आम एसेंबली रे गोटे आंसर दे तो एज पर दैट माने क्लारिफिकेशन तो वर्तमान जो 15 डिस्ट्रिक्ट रही ओडिशा रो सेटा वर्तमान आम कैटेगरी रो जोन 3 कैटेगरी वर्तमान रही एज पर द अर्थक्वेक ठीक अच्छे तो एक्चुअली यहाँ गोटे 2016 माने हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो अर्थक्वेक हजार्ड जोन एटलास रिलीज कराई तो एज पर दैट एटलास हमरो 15 डिस्ट्रिक्ट वर्तमान रही जोन 3 हमरो बा मॉडरेट इंटेंसिटी जोन कैटेगरी हमरो रही तो कौ कौ डिस्ट्रिक्ट सब रही देखा ना पुरी खोर्धा केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर कटक जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बालेश्वर मयूरभंज ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट रही ये सब आम जोन 3 कैटेगरी आसुच्छे तो नेक्स्ट देखा ए टीम ऑफ 11 सीनियर ऑफिशियल्स बिलोंग्स टू विच स्टेट विजिटेड ओडिशा टू एक्सप्लोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सो आम गोटे मध्यप्रदेश गोटे आम 11 जन गोटे सीनियर ऑफिशियल टीम तो सेने विजिट करते ओडिशा को बेसिकली सॉलिड मैनेजमेंट सिस्टम रही ओडिशा तापर से नॉलेज शेयर करने मैंने गेन करने आस बेसिकली गोटे 11 जन सीनियर ऑफिशियल टीम आ भितर आम 7 जन आईएएस ऑफिसर रही तो से गोटे तीन दिनिया विजिट 25-27 सेप्टेम्बर में विजिट करते ओडिशा को टू गेन द नॉलेज सो आम जो ओडिशा अर्बन एकेडमी अच्छे तो से यार एक्चुअली एवरीथिंग से ऑर्गेनाइज करते तो बेसिकली जो आम फिजिकल स्लड्स और जो सेप्टेस मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रही जो इनिशिएटिवटा आम नहीं अंडर द 5T इनिशिएटिव तो ताकू से नॉलेज गेन करने बर्तमान ओडिशा को आसी सो नेक्स्ट देखा ओडिशा पुलिस लॉन्च व्हिच कैंपेन फॉर द साइबर सिक्योरिटी ना ओडिशा पुलिस आम लॉन्च कर साइबर सेफ्टी कैंपेन 2023 सो ऑब्वियसली जो वर्तमान साइबर सेफ्टी गोटे बहुत इंपोर्टेंट माने वर्तमान चैलेंजिंग सिचुएशन रही पुलिस पाखे तो से लॉन्च कर साइबर सेफ्टी कैंपेन 2023 को ओडिशा पुलिस आम लॉन्च कर सो बेसिकली गोटे इवेंट ऑर्गेनाइज होता सेप्टेम्बर 28 11 बेले तो ऑर्गेनाइज कराई सो नेक्स्ट देखा रघुराजपुर ऑफ ओडिशा
रिसीव द बेस्ट टूरिज्म विलेज अंडर द विच कैटेगोरी। सो बेसिकली जो बेस्ट टूरिज्म अवार्डटा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते तो से आम देखी तार तीन टाइम एक्चुअली कैटेगोरी थी ठीक अच्छे। सो गोटे आमर गोल्ड कैटेगोरी आसला सिल्वर कैटेगोरी आसला ब्रोंज कैटेगोरी। सो बर्तमान तो रघुराजपुर ओडिशार तो क्राफ्ट विलेज कहुची सी बर्तमान ब्रोंज कैटेगोरी आमर सिलेक्ट हो ठीक अच्छे। तो जो इवेंट गोटे अर्गानाइज कराइल द वर्ल्ड टूरिज्म डे न्यू दिल्ली रे प्रगति मैदान एक्चुअली गोटे इवेंट अर्गानाइज कराइल तो सेठ जो आम रघुराजपुर रही तो सी बर्तमान एमंग द जो 20-10-5 35 विलेज अच्छा ऑल ओवर द इंडिया 35 विलेज भितर आसी कौ कैटेगोरी अच्छी आम ब्रोंज कैटेगोरी बर्तमान रही। सो नेक्स्ट देखा व्हिच एमिनेंट ओडिया फिक्शन राइटर विल कन्फर्ड विथ द प्रेस्टिजियस शारळा पुरस्कार। सो बर्तमान जो कौ एमिनेंट ओडिया जो फिक्शन राइटर रही जहाँ शारळा पुरस्कार बर्तमान मिलवाको जाउछि ना भीमा पुष्टि तो ये होंगे आम एमिनेंट ओडिया राइटर तो गोटे नोवेल लिखी जम्बु लोक ठीक अच्छे। सो ये जो जम्बु लोक नोवेल रही तो सी नोवेल बोली बर्तमान मिलवापी जाऊँगी प्रेस्टिजियस शारळा पुरस्कार। तर जो पश्चिमा पब्लिकेशन रही रिलीज कर 2017 सो बर्तमान से पाइबा जाऊँ शारळा पुरस्कार। तो ये गोटे कैश प्राइस 5 लाख रुपीस दिज्व आ सहित गोटे गोटे सर्टिफिकेट दिज्व ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे प्रोग्राम अर्गानाइज हम अक्टोबर 26 भुवनेश्वर में गोटे प्रोग्राम अर्गानाइज कर। सो नेक्स्ट देखा व्हिच यूनिवर्सिटीज ऑफ ओडिशा आर इन द ब्रैकेट ऑफ 600-800 एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो बर्तमान तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो टाइम्स हायर एजुकेशन रही तो ता डाटा गोटे रिलीज हो जाए तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 1900+ यूनिवर्सिटी को निया जाइतिला। तो ता भितर बर्तमान जो आमर KIT और NIT जो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIT भुवनेश्वर NIT राउरकेला तो एमाने आसर जो 600-800 ब्राकेट भितर आसो SOA शिक्षा अनुसंधान रही सहीटा बर्तमान 800-1000 ब्राकेट भितर आसी। इंडिया जो रही IISc बेंगलोर से सब टॉप कर 200-250 ब्राकेट भितर आमर आसी। जदि आम वर्ल्ड टॉप पोजीशन देखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो रही UK रे बर्तमान टॉप कर बर्तमान से 8 कंजुकेटिव इयर्स 8 वर्ष होगा से नंबर 1 पोजीशन रे ही रोचे। सो नेक्स्ट देखा ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल्स स्टूडेंट लॉन्च विथ स्कीम। सो जो गर्ल्स स्टूडेंट मैंने रही तो से मैंने फाइनेंशियल असिस्टेंट बोली सुदक्षा बोली गोटे स्कीमटा को बर्तमान नहीं आसी ना कौन रही है जो सुदक्षा स्कीम बेसिकली जो झील मैंने डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग स्कूल्स और पॉलिटेक्निक रे परचेस मैंने परस्यू करती तो से गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीमटा को लेकिन आम ओडिशा गवर्नमेंट। सो बेसिकली स्कीमटा गोटे 3 वर्ष स्कीम से बर्तमान नहीं आसा 2025-26 पर्यटन आम कंटिन्यू कर बेसिकली जो मैंने फर्स्ट ईयर किंवा सेकेंड ईयर कि थर्ड ईयर में रही से बेनिफिटा नहीं पारे ठीक अच्छे। टी डिटेल्स देखा कौन रही से सुदक्षा स्कीम अंडर में बेसिकली जो आम SC और ST स्टूडेंट्स मैंने रही से जो SC और ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रही तो सेठ से बेनिफिटा फाइनेंशियल पाते कि बर्तमान जो जनरल कैटेगोरी स्टूडेंट्स मैंने रही यार बेनिफिट को नहीं पारे। सो बेसिकली गोटे 1500 अलाउंसेस दिज्व मंथली जो मैंने हॉस्टलर्स रही और डेस्क क्लर्क मानक गोटे 500 पर मंथ आम बेनिफिटा दिज्व ता सहित गोटे जो एडमिशन फीस रही गोटे 2800 पर स्टूडेंट दिज्व आ गए वन टाइम गोटे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिज्व 5000 रुपीज धर से गोटे कौटी आउटसाइड आम स्टेट कैंपस सिलेक्शन हो प्लेसमेंट हो तो सेठी से सेटलमेंट हाँ 5000 रुपीज गोटे इनिशियल गोटे अमाउंटा दिज्व। सो नेक्स्ट देखा विथ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चीफ जस्टिस। सो ओडिशा बर्तमान नेक्स्ट चीफ जस्टिस हाँ जाऊँगी किए जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी ठीक अच्छे। सो बर्तमान जी थे 33rd नंबर 33तम जी थे आम चीफ जस्टिस जस्टिस सुभाषिष तालपत्र तो सी बर्तमान रिटायर्ड होती आम अक्टोबर 3 रे तो आफ्टर दैट आम जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी जी होती आम मन तो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ हाईकोर्ट तो सी बर्तमान अपॉइंट हे चार्ज ने एज ए ओडिशा चीफ जस्टिस हिसाब से सी रही तो अंडर द आर्टिकल 223 ठीक अच्छे। तो प्रेसिडेंट बर्तमान अपॉइंटमेंट करेंगे आम डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। सो नेक्स्ट देखा विच टू मोर ऑफिसर्स ऑफ ओडिशा विल जॉइन द CBI फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेंस इन मणिपुर। सो मणिपुर बर्तमान जो वायलेंस चलती सो तार इन्वेस्टिगेशन करने दुई जन आम ऑफिसर बर्तमान ओडिशा रु जॉइन करेंगे CBI को। सो से दुई जन होती किए ना IPS सारा शर्मा आज जन होती OPS संतोष कुमार ब्यारिक ठीक अच्छे। सो या पूर्वर आम जो मयूरभंज इन्स्पेक्टर थे ठीक अच्छे विश्वप्रकाश राउत जी थे आमर तो इन्स्पेक्टर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तो सी ऑलरेडी आम डेपुटेशन जाइंट CBI हेडक्वार्टर को बर्तमान आउ दुई जन IPS सरा शर्मा और संतोष कुमार बारिक जो जो OPS ऑफिसर तो सी दुई जन बर्तमान जॉइन करेंगे टीम को CBI सो दैट कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मणिपुर इजिली से कंक्लूड करेंगे। तो सरा शर्मा सी बर्तमान अच्छा SPO विजिलेंस ऑफ संबलपुर।
सो नेक्स्ट देखिबा एनएलसी इंडिया लिमिटेड साइंड ए पावर परचेज एग्रीमेंट विथ विच ओडिशा इंस्टीट्यूशन सो एनएलसी इंडिया रही बर्तमान ग्रिडको जो रही है ओडिशा रहा सहित गोटे से पावर परचेज एग्रीमेंट को बर्तमान साइन करते सो दुईटा फेज रे 400 टोटल 800 मेगावाट रे पावर परचेज करेंगे फ्रम द ग्रिडको तो एक्चुअली गोटे से प्लांट को डेवलप करते नेवली तलाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तो ता रिगार्डिंग जहाँ से रिक्वायरमेंट रही तो से पावर परचेज एग्रीमेंट दुईटा को साइन कराइंट तो नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट इज गोइंग टू एस्टाब्लिश लैंग्वेज लैब्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट सो ओडिशा गवर्नमेंट गोटे इनिशिएटिव नहीं ईच डिस्ट्रिक्ट गोटे लैंग्वेज लैब को बर्तमान इनॉग्रेट करने जाऊँ सो बेसिकली जो हमरो ट्राइबल लिटरेचर रही कमी आम एनहांस करवा एनरिच करवा तो से गोटे आमर ट्राइबल लांगुएज को लेकिन गोटे आम डिक्सनारीटा को रिलीज कर चीफ मिनिस्टर सो बेसिकली जो डिक्सनारी रिलीज कराई सीटा आम सांताली ओडिया इंग्लीश सो तीन टा भाषा को लेकिन सी आम डिक्सनारीटा सी रिलीज करते तो या बाद सी आम एक एडिशनाल जो आम एलिमेंटरी एजुकेशन लेवल टेक्स्ट बुक गुड़ाक रही बेसिकली सौरा कोई कुवि गंडी मुंडा यही सब लांगुएज एक एडिशनाल टेक्स्ट बुक को इनॉग्रेट करते आम चीफ मिनिस्टर सो नेक्स्ट देखियो व्हाट इज SLSWCA सो यहाँ गुड़ा आम कौन स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी सो जी आम प्रोजेक्ट गुड़ाक आस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तो तार अप्रूवल करने गोटे सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी वर्तमान बनाई सो तार 122वां मीटिंग जो थी आमर तो से मीटिंग रे आमर क्लीयरेंस हो जाए तो पाखापाखि बर्तमान 3600 crore इन्वेस्टमेंट ओडिशा रे हबो आउ या अंडर रे आमर मोर देन 13600 अधिका जॉब आमर एठी आमर क्रिएशन करा जिवो ओके सो ये आम 19 प्रोजेक्ट को बर्तमान अप्रूवल मिली टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट को आम कवर कर 19 प्रोजेक्ट सो बर्तमान देखियो व्हिच स्टेट लॉन्च द साइबर सेफ्टी अवेयरनेस रथ तो साइबर सेफ्टी अवेयरनेस रथ बर्तमान ओडिशा रे इनॉग्रेट कराई सो 34 जो अवेयरनेस वैन्स तो ताको फ्लैग ऑफ करछन हमर चीफ मिनिस्टर तो से बर्तमान विजिट करिए वेरियस स्कूल्स कॉलेज पंचायत लेवल रे तो प्राइम टारगेट कौन रखाई ना केमिति ग्राउंड लेवल रे जो साइबर क्राइम बढ़ुच्छे बर्तमान दिन को दिन तो सीटा गोटे बर्तमान चैलेंजिंग सिचुएशन ओडिशा रे तो ताको केमिति आम एवॉइड करिपरिबा तो सेतिपई कलिंगो स्टेडियम रे गोटे इवेंट लॉन्च हेतिला आ सेठी हमर चीफ मिनिस्टर फ्लैग ऑफ करछन 34 वैन को सो नेक्स्ट देखिबा अमित कुमार भुइया रिलेटेड टू हिज स्पोर्ट्स सो अमित कुमार भुइया से रिलेट करते हैं बॉडी बिल्डिंग को सो बर्तमान कौन रही न्यूज रे देखिबा ना जो आम स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्टर रही तुषारीकांत बेहरा तो सी टोटल 27 जन एथलीट को आम सी फैसिलिटेट करते ठीक अच्छे गोटे प्रोग्राम रे तो टोटल इन टोटल से गोटे 12,30,000 टकर गोटे फाइनेंशियल सपोर्ट से कैश प्राइज से सो ता भितर जी थे आम मानते गोल्ड मेडालीस्ट थे एशियन बॉडी बिल्डिंग रे ठीक अच्छे अमित कुमार भुइया तो 3.75 lakh रुपीज केस प्राइस देपर जो जगन्नाथ खुंटिया थे 1.25 lakh प्राइस इन टोटल से 27 जन एथलीट को पाखापाखि 12,30,000 टकर केस प्राइस से फैसिलिटेशन प्रोग्राम सो नेक्स्ट देखिए व्हिच टीम सिक्योर द टाइटल ऑफ जूनियर मेन्स एंड वुमेन्स कैटेगरी हॉकी एट द ईस्ट जोन चैंपियनशिप सो बर्तमान ओडिशा जो जूनियर मेन और वुमेन टीम अच्छा बोथ द टीम आम गोल्ड मेडल विन करते कौटी ना जो आम हॉकी चलता ईस्ट जोन चैंपियनशिप ठीक अच्छे सो बेसिकली ओडिशा जो आम सब जूनियर वुमेन थे तो से झारखंड को हरई 2-1 और मेन टीम से झारखंड को हरई बट से 3-1 हरई से टाइटल विन कर सो बोथ मेन और वुमेन दुई जन जगह आम गोल्ड मेडल विन करते एट द को इवेंट आमर थी ना जूनियर मेन्स एंड वुमेन्स कैटेगरी ऑफ हॉकी एट द ईस्ट जोन चैंपियनशिप ओके सो नेक्स्ट देखियो सो ओडिशा गवर्नमेंट मेड अ टारगेट टू एनश्योर 0 ह्यूमन डेथ इन रेबीज सो बाय 2030 भितर ओडिशा गवर्नमेंट गोटे टारगेट नहीं जो रेबीज डिजीज रही कुकुड़ कामुड़ी देला पर जो रोग हुए तो ताको केमती 0 तांकर जो डेथ तो डेथ आउ केमती हेबनी टोटल लोकंर से टारगेट नहीं 2030 तो या पूर्व कौन होता तार जो ड्रग्सटा आसूला मैंने जो मेडिसीन आसूला गोटे मैंने ओपेन जदि कर तो गोटे भायल मैंने गोटे खोल तीन जन को एका थर आम देवा पड़ूगा तो से इंटरेस्ट शो करते एका थर तीन जन लोक आसिले हिंसे से भाइलटा को ओपेन करते बट बर्तमान इनस्ट्रक्शन आने लोक भी जदि मैंने आसुँच तो देन ताको हमें ओपन करता गोटे डायग्नोस्टिक लैब ओडिशा बर्तमान ओपन करने जाऊँ आ टारगेट रही बिफोर 2030 आपको केमी 0 करवा सो नेक्स्ट देखा कौन ना ओडिशा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवैम्प व्हिच स्कीम फॉर द फ्री IAS कोचिंग सो फ्री IAS कोचिंग बोली से स्कीम आनुंच फ्री IAS कोचिंग स्कीम ठीक अच्छे सो ये स्कीम टा टे पूर्व ऑलरेडी लॉन्च होता है 2016-17 ऑलरेडी आम लॉन्च होता सो बर्तमान किसी चेंजेस नहीं आसुँच
तो वर्तमान जो पिला माने सिलेक्ट हेबे या अंडर रे 200 माने पार्टिसिपेंट्स बा एस्पिरेंट को से माने सिलेक्शन करिवे और से मानको फ्री फूड और लॉजिंग रहिबा खाइबा कंप्लीटली फ्री करा जिवो और या रिगार्डिंग पर ईयर हमरो पाखा पाखी 5.97 करोड़ हमर इन्वेस्टमेंट हबो सो 5 वर्ष पई 31 करोड़ रो बजेट करा हिची और 4 करोड़ रो वर्तमान सैंक्शन मध्य हे जाइछि। ठीक अछि तो जो हमरो ओएसएसबी बा ओडिसा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड रहिछि सो ता अंडर रे हमरो 200 पिला को से माने सिलेक्शन करिवे। सो नेक्स्ट देखिवा व्हिच एमिनेंट ओडिया राइटर विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस नव गुंजर सम्मान। तो 2023 पई जो नव गुंजर सम्मान रहिछि ता पई सिलेक्ट हेछन्ति जितेंद्र नारायण दास बा पॉपुलरली तांको दास वेनुर बोली मध्ये कोआ जाउछि। तो सिए वर्तमान विन करियो जाउछन हमरो नव गुंजर सम्मान 2023। तो बेसिकली जो तांको लिटरेचर आ कल्चर प्रति जो डेडिकेशन रहिछि तो सेति पई तांको या बाटा दिया जाउछि। तो फंक्शन ऑर्गेनाइज हबो अक्टूबर 14 रे तो सेति तांको सेलिब्रेट करा जइबो। तो सी ऑलरेडी 70 ईयर से राइटर तो या पूर्व से न्यूमरस अवार्ड्स जमी हो सेंट्रल साहित्य एकेडमी ओडिया साहित्य एकेडमी और ओडिशा विज्ञान एकेडमी ये सब अवार्ड से ऑलरेडी विन कर सारी। ओके सो फ्रेंड्स एति की किसी हम वीक रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो जदि भल लगेगा प्लीज लाइक करूँ सांगे सेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। थैंक यू।